आपके पास जो ये आईडी है ना ऑन पैसिव की, जब आप अपनी प्रोफाइल में देखते होगे तो वहां पे आपको एक आईडी नंबर नजर आता होगा। जी हाँ, आईडी नंबर नजर आता होगा। तो उसको देख करके आपको आप अपने अंदर जो है क्या फीलिंग आती है कि ये क्या है, ये असल में मैं आपको बताता हूं आज इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आज इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो 100% एक अंदर से आग लगने वाली है, एक अंदर से आपको मोटिवेशन भी जगेगा, प्लस इसके साथ साथ आपकी जो आईडी की वैल्यू है वो आज आपको पता लगने वाली है कि आपकी एक आईडी की वैल्यू क्या है। जी हाँ, और आप इस एक आईडी की वैल्यू को जानने के बाद और जब यहाँ पे आप काम करना स्टार्ट करोगे और जब यहाँ से आप धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे होगे तो आपको उसके दौरान क्या क्या करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही मजेदार चीज आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर, बहुत मजेदार चीज, बिकॉज आज आपको कुछ अंदर से कुछ नया मिलने वाला है। तो जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाते हो, एक आईडी नंबर आपको लिखा हुआ मिलता है, तो आप उसके बारे में ये सोचते हो कि जस्ट ये तो एक नंबर है, डिजिट है। असल में वो एक नंबर नहीं है, वो आपकी एक पहचान है। जी हाँ, वो आपकी एक पहचान है। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर होता है ना, मोबाइल नंबर होता है, और हर पोस्ट ऑफिस पे जाते हैं तो वहां एक पिन कोड नंबर भी होता है, और इसी तरीके से बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप में एक यूनिक पहचान होते हैं। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पिन कोड नंबर क्या होता है, एक पोस्ट ऑफिस की पहचान होता है कि पोस्ट ऑफिस जो है ये पिन नंबर जो है उस पोस्ट ऑफिस का है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी एक मोबाइल का एक आईपी एड्रेस है, और जब भी वो कोई नंबर डायल करता है तो वो झट से आपके पास कॉल आ जाती है। तो ये जो आईडी नंबर है वो जस्ट एक डिजिट नहीं है, ये अंक नहीं है, ये आपकी एक बहुत बड़ी पहचान है, और इस आईडी के बल पे आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू यहां पे दी गई है। क्योंकि आपको जो पहचान मिलने वाली है वो बहुत बड़ी पहचान आपको मिलने वाली है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपके लिए, जैसे कहते हैं कि अगर आपका पहचान पत्र खो जाए, अगर आपका पहचान पत्र खो जाए तो आप उसको दोबारा से बनवा सकते हो, लेकिन अगर आपकी पहचान ही खो जाए तो फिर आपको दोबारा नहीं बनवा सकते। तो ये आईडी नंबर जो है ना आपकी बहुत बड़ी पहचान है। अगर आप मुझे जानते हो, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो यहां पे बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब के नाम से भी जानते हैं कि अरे वही जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वही गोला जी है क्या। तो यहां पे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक पहचान है। तो यहां पर बहुत सारे लोग जो आज ऑन पैसिव के अंदर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज हम भी नहीं जानते हैं। क्यों भाई, 14 लाख लोग हैं, 14 लाख लोगों को भाई ना तो आप जानते हो ना ही मैं जानता हूं, कोई भी नहीं जानता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो आगे पहचान बनने वाली है ना इस ऑन पैसिव के अंदर, वो अपने काम के आधार पर बनने वाली है। हम सब लोग फाउंडरशिप में जरूर हैं, हम लोग एज ए ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन पर जरूर हैं, लेकिन यहां पे जो काम करने के जो तरीके होंगे, काम करने के जो मेथड होंगे, वो सभी के अलग अलग हो सकते हैं। मेरा कुछ काम करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका काम करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, किसी तीसरे इंसान का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। भाई हमारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपके आसपास भी 2-4 लोग होंगे, उनके काम करने का तरीका, बात करने का तरीका अलग हो सकता है। तो वो अपने काम के आधार पे ही जाने जाएंगे। मगर यहाँ पे आपकी जो सक्सेस है वो सक्सेस आपको, हाँ इतना जरूर है कि कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो सक्सेस होगी वो बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन आपको अपना भी कुछ ना कुछ एफर्ट डालना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको उल्टा सीधा भी बोला होगा, आपकी जो वैल्यू है ना उसकी, हर किसी की वैल्यू अपनी अपनी जगह अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बैंक में काम करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या कोई टीचर बना हुआ है तो वो अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति पुलिस लाइन में है या कोई आर्मी में है, कोई अपना खुद का बिजनेस करता है, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं, भाई अपनी अपनी जो वैल्यू है वो अपनी अपनी जगह है। लेकिन हर किसी को एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो तो आपको वापस रेस्पेक्ट मिलती भी है। तो अगर आप किसी की वैल्यू नहीं करते हो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि आपके पड़ोस में कोई भी, आपका पड़ोसी का लड़का है, वो कुछ बन गया, टीचर बन गया या इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, कुछ बन गया, तो बहुत सारे लोगों को आसपास जो है जलन होने लगती है। लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि मुझे ऐसा, मेरे अंदर ये फीलिंग क्यों आ रही है। तो आपको क्या करना है, जितने भी हमारे इस ऑन पैसिव के अंदर हैं, सबसे पहले चीज तो ये है कि आपको किसी को देख करके या किसी की जो भी स्किल है, या कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन गया हो आपकी नजर में, आपका कोई भतीजा हो, आपका कोई लड़का हो, आपका कोई भैया हो,
या आपका कोई रिश्तेदार का कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी बन गया हो, आपको उनकी बातों को सुनकर के या उसकी प्रोग्रेस को देखकर के जलना नहीं है, जी हाँ, बल्कि आपको अपना जो वैल्यू है उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ाना है, बिकॉज आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, वो इस ऑन पैसिव के जो बिजनेस है, ऑन पैसिव का जो बिजनेस है या ऑन पैसिव के जो सॉफ्टवेयर है, इनको वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, जी हाँ। तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होने वाला है, आपकी जो वैल्यू है वो यहां से दिन दूनी रात चौगुनी आपको मिलने वाली है। अब जब भी आपके पास, अब देखो आपको करना क्या है, मैं आपको चीज बता देता हूं। बहुत सारे लोग जो आपकी टांग पकड़ के खींचने को हमेशा तैयार रहते हैं, या फिर जो आपकी हमेशा उल्टा सीधा बुराई भी करते हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ किस तरीके से बिहेव करो, उन लोगों के साथ किस तरीके से आपको बिहेव करना है, कोई भी उनके साथ उल्टा सीधा या गाली गलौज या इस टाइप से कोई भी आपको बिहेव नहीं करना है। आपको मैं बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीका। जैसे हमारे पास इस बिजनेस से पहली बार जब भी आने वाले वक्त में प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगी, तो सबसे पहले तो हमें उस प्रॉफिट को जो है अपने सर से लगाना है और इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, और उसमें से कुछ पैसे का हमें अपने उस ऊपर वाले के नाम पे खर्च करना है, यानी कि कुछ भी आप कर सकते हैं उसके बदले में, और उसमें से फिर थोड़ा सा पैसा निकाल करके जितने भी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो आपकी टांग पकड़ के खींचने को, या फिर यूं कहें कि आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए, या यूं कहें कि आपको हमेशा यानी कि आपकी प्रोग्रेस देख नहीं सकते, मिठाई का डिब्बा उनके घर पे आपको जरूर पहुंचाना है। बिल्कुल, उनके घर पे मिठाई का डिब्बा आपको जरूर पहुंचाना है। अगर आपने उनसे जाने अनजाने में अगर आपने कोई छोटी मोटी या बड़ी बड़ी बातें भी कह दी हो और उन्होंने आपका मजाक उड़ाया हो, तो आपको एक काम जरूर करना है, उनके घर पे मिठाई का डिब्बा जरूर पहुंचाना है। अगर ये काम आप खुद ना करके अगर आप अपने पापा के हाथ या मम्मी के हाथ अगर भेज देंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है, जी हाँ, और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये काम आपको 110% करने वाला है। यहां पर जो आप काम करेंगे वो आपकी एक पहचान यहाँ पे बनने वाली है, बिकॉज आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है, आपने ये बात तो सुनी होगी, बिकॉज कर्म ही आदमी की पहचान है, और वरना एक नाम के तो यहाँ पे अनेकों इंसान हैं, और ऑन पैसिव के अंदर तो हो सकता है कि एक नाम के वो अनेकों इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो काम करने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग अलग होने वाला है। तो आपकी जो आईडी की वैल्यू है ना, इस पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान दिलाने वाली है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर बन गया हो, या इंजीनियर बन गया हो, या फिर टीचर बन गया हो, या कोई और अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया हो, है ना, तो उसकी जो पहचान है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। वो हो सकता है कि अपने 10-5 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर में या 50-100 किलोमीटर में ही वो उसकी पहचान हो, लेकिन आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो पहचान है, वो पूरे वर्ल्ड में होने वाली है। होने वाली है क्या, हो चुकी है, जी हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि आपकी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी पहचान हो चुकी है। इसलिए इस वैल्यू को और ज्यादा क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक कहते हैं कि सहन शक्ति आपके अंदर और होनी चाहिए, और इस वैल्यू को बनाए रखने के लिए आपको इस पर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको एक चीज मैं इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला जो बता चुका हूं, और जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि आपको अपनी वैल्यू को और अपनी आईडी को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना है, और आपका जो स्टेटस है उसको भी मेंटेन करके रखना है। और यहां पर बहुत सारे लोगों को बीच बीच में क्या होता है कि प्राउड आ जाता है, वो आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के मन में प्राउड आ जाए, प्राउड का मतलब घमंड आ जाए, प्राउड का मतलब गर्व भी होता है, लेकिन यहां पर गर्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर घमंड की बात कर रहा हूं। बस ये वाला प्राउड आपके अंदर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये जो आपकी वैल्यू है वो पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो चुकी है, और आपको एक बहुत बड़ी पहचान आपको मिल चुकी है। इस पहचान को बरकरार बना के रखना ये आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे बरकरार रख सकते हो। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा इसके अंदर, और इस वीडियो को जानने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर से कुछ सीखने को भी मिला होगा, मोटिवेशन भी मिला होगा,
क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमें एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। सो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अपनी पहचान को बनाकर रखना और अपनी आपकी जो आईडी है वो सिर्फ आईडी नहीं है, आपकी एक बहुत बड़ी करियर है, आपकी एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली है और यहां से आपका एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन जो आपकी है वो यहां पे सिक्योर होने जा रही है इस आईडी के माध्यम से। इसलिए इसको छोटा ना समझे। आपके पास अगर सिंगल आईडी भी है तब भी अपने आप को बहुत बड़ा आप महसूस करें, क्योंकि सिंगल आईडी यहाँ पे बहुत कुछ हम सब लोगों के साथ काम बहुत कुछ दे सकती है। यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है सिंगल आईडी के साथ भी। और अगर आपके पास जो है मल्टीपल आईडी है तो फिर आपको और ज्यादा डबल और ट्रिपल मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख करके। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया लगा होगा और ऐसी ही बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो जो है और हमारे इस बिजनेस से जुड़ी हुई और अपडेट से जुड़ी हुई वीडियोस को हम हमेशा इस चैनल पे जो है अपलोड करते रहते हैं, लेके आते रहते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर सो इन इट टू विन इट।